हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज करवा चौथ है तो मैं करवा चौथ के लिए तैयार हो रही हूँ आज। तो उसके लिए मैंने आज पहनी है बनारसी ब्लू साड़ी। एंड ये देखिए, मैं पिन को यहाँ पे टक करूँगी ताकि पल्लू अच्छे से फिक्स हो जाए और आगे ना आए और साड़ी की प्रॉपर शेप भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेकअप। तो सबसे पहले मैं क्लिंजर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे फेस से जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे एंड इससे जो मेरा फेस है वो क्लीन हो जाएगा। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू माय शेड। तो अब मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंडर को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था ताकि जो ब्लेंडर है उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहे, क्योंकि तभी वो अच्छे से ब्लेंड कर सकता है फाउंडेशन को। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये लूज़ पाउडर, जो मेरे कंसीलर और फाउंडेशन को अच्छे से फिक्स रखेगा। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लू आई शैडो। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर। तो अब टर्न आता है मस्कारा का, तो अब अपनी आईलिड्स भी थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। तो अब मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो के जस्ट नीचे वाले पार्ट में, ताकि जो मेरी आईब्रोज़ हैं वो और अच्छे से दिखें उभरी हुई। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल ताकि आईब्रो थोड़ा डार्क हो जाए एंड टू गिव देम प्रॉपर शेप। और अब मैं इन्हें थोड़ा ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड अब थोड़ा ब्लशर भी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ रेड लिपस्टिक। चलिए अब लगा लेते हैं सिंदूर। सिंदूर मैं यही वाला यूज़ करती हूँ मोस्टली, जो ये लिपस्टिक टाइप का आता है, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है और ना ही ये बिल्कुल ड्राई होता है और इजीली लग भी जाता है। तो अब मैं लगा लेती हूँ एक बिंदी, जिससे चेहरे में एक अलग ही निखार आ जाता है। और मैं अब अपने ये ऑर्नामेंट्स पहन लेती हूँ, क्योंकि हमारे कल्चर में इस दिन ये गोल्ड ज्वेलरी पहनना अच्छा माना जाता है। और हेयर स्टाइल मैंने जूड़ा बनाया है और उसमें एक गजरा भी लगा दिया है।